हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्षत्रिय राजपूत समाज सेवा संस्था द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। साइकिल यात्रा में 30 यात्रियों ने भाग लिया है, जो नाला सुपारा स्टेशन के सामने गुरुकृपा हॉल से गुजरात के कच्छ में स्थित माता आशापुरा का प्रसिद्ध मंदिर के लिए रवाना हुए। क्षत्रिय राजपूत समाज सेवा द्वारा हर साल इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें समाज के सारे लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करते हैं। कार्यक्रम में समाज के 600 से 700 लोग शामिल थे। 8 अक्टूबर रविवार को वसई विरार नाला सुपारा में रह रहे क्षत्रिय राजपूत समाज सेवा संस्था के पदाधिकारी व समाज के सैकड़ों लोगों ने गुरुकृपा हॉल में सुबह माँ आशापुरा की पूजा अर्चना की। उसके बाद मंच पर आए मेहमानों का सत्कार समारोह किया गया। मेहमानों को शॉल व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। दोपहर में महाभंडारे के बाद साइकिल यात्रियों का सम्मान किया गया। बच्चों और महिलाओं ने गरबा रास कर लोगों का मन मोह लिया। महाभंडारे के बाद साइकिल सवार भक्तों ने माँ आशापुरा मढ़ के लिए प्रस्थान किया। समाज के लोगों ने उन्हें जय माता की नारों के साथ विदाई दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वरूप सिंह जडेजा, जगदीश सिंह, पी जडेजा, राजेंद्र सिंह पी जाला, अजीत सिंह परमार, वीरभद्र सिंह जडेजा, जगत सिंह जाला, श्री मुंबई क्षत्रिय सभा कमेटी, श्री राजपूत क्षत्रिय गौरव कमेटी, श्री आशापुरा युवा चैरिटेबल ट्रस्ट कमेटी, श्री आशापुरा मित्र मंडल कमेटी, श्री युवा राजपूत क्षत्रिय समाज कमेटी, श्री घाटकोपर राजपूत युवा मंडल कमेटी, युवा राजपूत क्षत्रिय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री कच्छी रोजगार समाज का सहयोग भरपूर सहयोग रहा। मंगलम परमं भूतं श्री गणेशं नमामि। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा श्रिया धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जो भले हरियाणा की जब गुजरात आवड़े से मनो भाईश्रीए माता जी जोरदार बोलावी तो आपो भारतवासी सौ प्रथम धर्म से राष्ट्र पेला राष्ट्र पची आप बदा लीजिए धर्म जो राष्ट्र में रहता है राष्ट्र में जय जय काल तो सारो थवो जोईए। एटले भारत माता की, भारत माता की जय बोलावा नो मुख्य कारण ई कि हूं ज्या जाऊ छू ने सनातन ने प्रमोट करू छू कारण के सनातन की जरूर सकते कारण के राष्ट्र नु कल्याण कार्य थे जयरे सनातन धर्म सर्वोपरि है सर्वोपरि रहे आप कोशिश करशु ने तारे ज्या राष्ट्र नु कल्याण है। मुख्य तो अहम बोला स्वरूप सिंह जी जो आमंत्रण आप खूब आनंद थो कि जे यात्रिको ये यात्रिको ने सुविधा मे आसान मेहनत करे भले अपने पगवाड़ा जाई न सकी आप नियम से कि आप स्नेही संबंधी कोई यात्रा में जता हो भाई आ मारा तरफ की कई से तमें सेवा में वापरी ना दो पर आप स्वयं जो यात्रिको है यात्रिको ने सुविधा मे साइकल पछी मेडिकल कैम्प भोजन की व्यवस्था आ संघ पूरो पड़े छे तो आ संघ तरीके तमने एवं आशीर्वाद के आ वर्षे 21 तो आता वर्षे 43 यात्री उठाए आवा ने आवा कार्य करता रहो सनातन धर्म ने उजागर करो ये आपणो धर्म छे। आदेश जय माता दी। कोटी कोटी वंदन करिए पूज्य संत अहीं विराजमान छे मंचस्थ महानुभव अने आप सौ वजनदार भाईओं बहनों तमने एम लागे कि वजनदार केम कहो मारी बाजू में एडवोकेट प्रवीण भाई बैठा छे कोर्टनी अंदर पण कांटो होय कांटो ए कांटा में तमे सौ जाणो छो जेमा माल होय क्या होय वजन होय कांटा में ई नीचे होय अने खाली होय बधा ऊपर होय एटले अमे बधा खाली छीए वजनदार तो तमे जो अग्यारसो किलोमीटर नी यात्रा अने 8 थी 9 दिवसे
ત્યારે માના દરબારમાં મારા સાયકલ વીરો પહોંચશે ત્યારે એક ઇતિહાસ સર્જાશે. 1100 કિલોમીટરની યાત્રા માની ભક્તિ કરતા કરતા માના જયકારા સાથે મારા જયારે સાયકલ વીરો જાય છે એમના દર્શન કરવા માટે આજે હું નાના સોપાલા આવ્યો છું. એ મારા સૌભાગ્ય કહેવાય કે આજે એમના દર્શન થઈ ગયા. આજે સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજ અને કચ્છની 18 આલમ આપણે અહીંયા સૌ બેઠા છીએ ત્યારે સ્વરૂપસિંહ જાડેજા, મને લાગે છે, મને ખ્યાલ છે તે પ્રમાણે 2001 આવા નાલા સોપાલામાં જે મેં સાયકલ વીરોની શરૂઆત કરી હતી ત્યારે મને લાગે છે રાજપૂત યુવા સંઘના નામે એકવાર જયારે શરૂઆત થઈ હતી અને 10 વર્ષ સુધી સતત ચાલ્યું આવ્યું અને 10 થોડી થકાવટ લાગી, થોડીક એવું લાગ્યું કે હવે હું કેમ પહોંચી વળીશ, ત્યારે 2011, 2012 અને 2013 જોરુબા બાપુ હતા વાગડવાસી શિવલખાવાળા, 3 વર્ષ સુધી સ્વરૂપસિંહને ટેકો આપ્યો કે બાપુ છડી જામો જે જ્યોત ચલાવી છે તે ચાલુ રાખજો અને 3 વર્ષ સુધી તેમને ખર્ચ પોતાના અને આપણી જાડેજા સમાજવાળીમાં એ 3 વર્ષ થયા. 2015 સુધી સતત આ આપણો યુવક સંઘ ચાલ્યો અને 2016 પછી ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજ સેવા સંઘની સ્થાપના થઈ અને આજે સ્વરૂપસિંહ અને હું જોઉં છું એમનો દ્રષ્ટિમંડળ, કારોબારી સભ્ય જે કંટોળ મહેનત કરી અને આજે જે 21 સાયકલ વીરો જઈ રહ્યા છે એમના માટે પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓ. સ્વરૂપસિંહ, આપને આપની ટીમને લાખ લાખ ધન્યવાદ છે. માના દરબારમાં કચ્છ જા કવિ પડી ચેતા કે જન ખેતર જો ખ્યો એની વાડ માં કઢો અને જે જે ઘર મેં રહ્યો ને જ્યાં કમાડ માં કઢો. देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को.